हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं सुनील भाटी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर, जिसमें कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लाए हैं और करेंगे उसी अंदाज में, फटाफट अंदाज में और कुछ ट्रिकों के साथ। तो आप तैयार हो जाइए कॉपी पेंसिल लेकर अपनी, और साथ के साथ दबा के शेयर कीजिए, जिससे और बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए आते हैं अपने क्वेश्चनों पर, बिना देर किए करते हैं अपने प्रैक्टिस शुरू। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, 4000 रुपये की एक राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज यानी एक सा ब्याज मिलता है हमेशा मूलधन पर, तो जब भी साधारण ब्याज हुआ करे तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, एक साल का 8% निकलेगा तो 6 वर्ष का 48%, 8×48 फॉर्मूले रखने के बजाय सीधा, तो 48% निकालना है किसका, 4000 का। ये निकल गया जी 4000 का, 48/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इसमें 4 की गुणा कर लें, 8×32 और 16×3 19, ये आ गया। कहाँ है आंसर, ये रहा 2 पर। तो बड़ा सिंपल है, आपने परसेंट निकाल ली सीधी कितनी बनी और परसेंट लगा दी मूलधन पर और अमाउंट निकल के आ गया। तो ऐसे ही बेहतरीन ट्रिकों से हम करते रहेंगे क्वेश्चनों को, आप शेयर करते चलिए। आगे, व्योम ने 30 दर्जन केले 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, उसने 10 दर्जन पेंसिल, व्योम ने 30 दर्जन कलम 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, उसने 10 दर्जन पेंसिल 20 के लाभ पर और शेष 20 दर्जन 10 के लाभ पर बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। अब देखो, लाभ प्रतिशत पूछा है और सब चीज़ यहाँ परसेंट में दी है, तो फिर हमें रुपए की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये रुपए उसने एक्स्ट्रा में दिए हैं, ध्यान रखें बच्चों, ना तो उसने हमें लाभ रुपए में दिया कोई भी बार भी, और बाद में पूछा भी लाभ प्रतिशत है, तो हमें ऐसे में रुपए की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा 30 दर्जन थे, 30 दर्जन को मैंने 3 हिस्से बना लिए है ना, 10, 10 और 10, ये एक 10 को तो बेच दिया उसने 20 के लाभ पर, और इस 10 को बेच दिया 10 के और इसको भी 10 के लाभ पर, तो टोटल लाभ कितना हो गया, ये 40 हो गया, किसका, 3 हिस्सों का। तो यदि सबको एक हिस्से में काउंट करें तो कितना होगा, इसे 3 से भाग दे देंगे, 13.33। ये बात समझ में आई सभी को, फिर से समझेंगे बच्चों, उसी तरह उसे हम बांट लेते हैं, जो भी हमारा लाभ प्रतिशत होता है वो इकट्ठा काउंट करना है हमको। उसने कहा पहले 10 दर्जन, 10 दर्जन पर 20 लाभ है और बचे 20 दर्जन यानी दोनों अलग अलग 10 10 पर 10% लाभ है, यानी इस पर भी 10% लाभ और इस पर भी 10% लाभ, बाकी 10 दर्जन, तो टोटल लाभ 40%, लेकिन 3 टुकड़ों में, तो 3 से ही हम भाग कर लेंगे, यानी वो इकट्ठा लाभ कितना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि 2 हिस्से हैं, एक हिस्से पर तो लाभ हो गया 10% और दूसरे हिस्से पर लाभ हो गया 20%, तो दोनों का कितना होगा, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दें, 3 है तो 3/3 कर दें, बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, कंपेरिजन अंकित मूल्य से हो रहा है, अंकित और क्रय, तो जो क्रय है वो कम है 64 है, यानी अंकित 100 है तो क्रय कितना है 64, ये कह रहा है वो। अब अंकित मूल्य पर 12% की छूट अंकित पर ही दी जाती है, यदि इस पर 12% की छूट दी जा रही है तो कितने में बिकी वस्तु, 88 में, भाई 12 की छूट है तो 12 घटा लिए, बड़ा सिंपल सा है, 12 घटा लिए, ये आ गया 88, 88 में वस्तु बिकी, ये हो गया विक्रय। तो देखो कितने का लाभ हुआ, यहाँ से यहाँ तक लाभ देखते हैं, तो 88 में से 64 घटाएंगे तो 24 का लाभ हुआ। अब लाभ किस पर काउंट होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर काउंट होता है, याद रखना है, किस पर काउंट होता है, 24, 24 का लाभ हुआ कितने पर, 64 पर, तो परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, अब इसे कर लेंगे, किससे कटेंगे, 8 से, 3 बार और ये 8 बार, ठीक है, तो ये हो गया कितना, 300/8, अब कितना गया, 8 दिया
24 बचे कितने, 6, 8 सत्ते 56 और 0.5, यही हो गया आंसर टू। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसी तरह हम फास्ट तरीकों से करेंगे, ऐसे नहीं कि सिंपल पहले, यानी जो लेंथी मेथड है, हम सोचने की प्रक्रिया पर ज़्यादा डिपेंड करेंगे कि जब उसने कहा है अंकित मूल्य का 64% है तो हम किराए को 100 नहीं मानेंगे, अंकित से कंपेरिजन किया है तो अंकित को ही 100 मानेंगे। नॉर्मल हम किराए को 100 मानते हैं, लेकिन जिससे कंपेरिजन किया होता है उसे 100 मान के करेंगे, तब क्वेश्चन जल्दी होंगे। तो अंकित को 100 माना और किराए को उसी के अनुसार माना, यानी 64%, और फिर क्वेश्चन फटाफट हो गया। आगे करते हैं। एक वृत्ताकार पथ के बाह्य और आंतरिक परिमाप का अनुपात 14:11 है। अब जी परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? यदि पथ 15 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब इसका देखो एक बार दिमाग में समझ लेते हैं किस तरह की चीजें होती हैं। ये है जैसे ये एक वृत्त बनाए और एक उसके बाहर एक और वृत्त बनाए, ये दो वृत्त बने और इसके जो बीच का एरिया है ये ही क्या कहलाएगा? पथ, यानी मार्ग। ठीक है, दोनों वृत्तों के बीच का मार्ग ही पथ कहलाएगा, बचा हुआ हिस्सा। तो ऊपर एक तो त्रिज्या हो गई, ऊपर जो ऊपर वाला सर्किल है एक तो इसकी त्रिज्या हो गई, मान लेते हैं R1, और एक इसकी त्रिज्या हो गई R2। अब कह रहा है परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है? परिमाप का फॉर्मूला क्या है बच्चों? कई बार हम कर चुके हैं, 2πr, ये फॉर्मूला है। तो दोनों का अनुपात कहाँ है? तो हम पहले का अनुपात लेते हैं 2πr1 और दूसरा 2πr2, दोनों का अनुपात, अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं। कितना दिया है हमको? 14:11 का। तो 2π से तो 2π कट गई, R1 R2 बचे, R1 R2 बराबर 14/11। अब देखें कितना अधिक है यहाँ से यहाँ तक, कितना अधिक है? 3 पॉइंट। और उसने कितना कहा है कि रास्ता कितना चौड़ा है? यही है ना रास्ता चौड़ा। यहाँ आप ध्यान से समझेंगे, अगर ये सेंटर है, ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी R2 और ये सेंटर है तो ये ऊपर हो गई R1। तो R2 से R1 घटाएंगे तो यही क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाए, अंतर हो जाएगा, और ये अंतर ही क्या होगी? रास्ते की चौड़ाई। तो कितना है दोनों त्रिज्याओं में कितना अंतर है? 3 पॉइंट का। उसने कितना कहा है? 15 मीटर। तो एक पॉइंट कितने के बराबर हो गया? एक पॉइंट हो गया हमारा 5 मीटर। अब अगर बड़ी वाली पूछिए तो 14 × 5 की गुणा कर लेंगे 70, ये छोटी वाली पूछिए तो 11 × 5 55। पूछी कौन सी हमें? आंतरिक, आंतरिक होती है अंदर वाली यानी छोटे वाली। तो ऑप्शन 4 ही इसका हो गया आंसर, 55। ध्यान रखना है कौन सी पूछी है वो ही बतानी है, आंतरिक अंदर वाली, अंदर वाली है छोटी वाली यानी 11 × 55। आगे आते हैं। एक नाव 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दूरी तथा 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी 4 घंटे में, जबकि 70 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल 10 घंटे में तय करती है। अब बच्चों ध्यान से समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आसान नहीं होते, थोड़ी सी ऑप्शंस की मदद लेंगे, थोड़ी कॉमन सेंस लेंगे, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आते हैं, बस आपको एक बार लिखने की ज़रूरत है। प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल क्या होती है? प्रतिकूल चाल होती है यदि हम एक को लेते हैं धारा, यानी नाव की चाल लेते हैं U और धारा की V, तो ये होती है U-V। और अनुकूल चाल क्या होती है? U+V प्लस होती है, U+V। अपस्ट्रीम हमारी U-V होती है और डाउनस्ट्रीम U+V होती है। दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं डाउनस्ट्रीम में अनुकूल में और घट जाती हैं अपस्ट्रीम यानी प्रतिकूल में। तो समय दिया है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी है? 20। कैसे चलता है? U-V, ठीक है, प्लस 40 चलता है U+V, तो लगते हैं 4 घंटे। ठीक है, दूसरा यदि 70 चलता है कैसे? U-V और 60 चलता है अनुकूल यानी U+V, तो लगते हैं 10 घंटे। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं, ऐसे हम इसे करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन मैं एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ वैल्यू हमारी पूरी पूरी दी है 4 और 10,
तो संख्याएं पूरी पूरी काट रही होंगी। अब 20 और 70 को क्या काटता है, क्या कॉमन है जो 20 और 70 को काटता है? 5 भी काटता है और 10 भी काटती है। तो पहले 10 से देख लेते हैं। अगर यहाँ इसकी वैल्यू हम 10 माने तो 10 दूनी 20, 2 और ये 7, तो ये 2 है, तो फिर यहाँ कितना बचेगा? 2। यहाँ 2 कब आएगा? जब ये वैल्यू कितनी हो? 20। अच्छा, ये 7 है, इसको 10 मानने पर ये 7 आ जाएगी, तो यहाँ कितनी आनी चाहिए? 3। तो क्या इसको 20 मानने से 3 आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो यानी हमको क्या पता लगा कि u माइनस v बराबर कितना है? 10, और u प्लस v बराबर कितना है? 20। ये चीज़ समझ में आई? इसी तरह से कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में u माइनस v से भाग हो रहा है और ऑप्शन पूरे पूरे आ रहे हैं, तो क्या चीज़ है जो इन्हें काटेगी? अब 5 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 5 से 4 आ जाएगी वैल्यू, 5 से इसे भाग देंगे तो 4, और कुछ और जुड़ेगा तो ज़्यादा आ जाएगा, फिर 4 कैसे आएगा आंसर? नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको 10 माना। इस तरह से आप भी करोगे, चीज़ें फटाफट हो जाएंगी। अब इन्हें देख लेते हैं, दोनों घटकर 10 हैं, जुड़कर 20 हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? योग प्लस अंतर को जोड़ के बटे 2 करते हैं तो बड़ी वाली संख्या, यानी 20 प्लस 10 बटे 2 यानी 15। ये तो आ गई नाव की चाल, और 20 माइनस 10 बटे 2 यानी कि 5, ये आ गई धारा की चाल। हमसे पूछा क्या है? धारा की गति, करंट की स्पीड, तो ये कितनी आ गई? 5, यानी ऑप्शन नंबर 3, यही इसका आंसर हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, जो चीज़ें समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर भी इन चैप्टरों के लिए आप हमारी कंटेंट की वीडियो देख सकते हैं, और वहाँ आपको चीज़ें डिटेल में और भी बेस से बताई गई हैं। आगे देखते हैं, 60,000 रुपये निवेश कर पी ने 60,000 रुपये निवेश करके व्यापार आरंभ किया, 4 महीने बाद क्यू ने 80,000 रुपये निवेश करके व्यापार से जुड़ गया, 4 और महीने बाद 1,00,000 रुपये निवेश कर आर जुड़ गया, 2 वर्ष के अंत में पी क्यू आर के लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात मैंने बताया है क्या होता है, रुपये इंटू टाइम। तो पी का रुपये इंटू टाइम, जो भी लाभ निकलेगा वो निकलेगा रुपये इंटू टाइम में। तो जी कैसे निकलेगा? पी क्यू आर, पी का कितना है? 60,000, 60,000, और इसका समय कितना है? 2 साल। अब देखो यहाँ महीने लिखे हैं तो महीने में बदल लेंगे इस 2 साल को, यानी कि 24। अनुपात क्यू का कितना है जी? क्यू है 80,000, और इसका कितना समय है? 4 महीने बाद आया, 24 में 4 महीने घटा दिए तो इसके रह गए 20 महीने, इंटू ये अनुपात, फिर आर 1,00,000, 1,00,000 ये हो गए, है ना। ये कितने समय के लिए आया? 4 और महीने बाद, यानी और 4 महीने घटा देंगे तो 16, बस ये अनुपात है, ये सॉल्व करना है। अब देखो 4 0 4 0 और 4 0 तो ये कट गए सभी के, ठीक है, और क्या कट रहा है? 8 से कट रहा है, 8 3 24, 8 1 8, 8 2 16, तो कितना बचा है? 6 3 18, और ये 20, और ये 10 × 2 यानी 20, अभी और 2 से कट रहा है ना, तो 2 से कट जाएंगे, ये आ गए 9, ये आ गए 10, और ये भी आ गए 10। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, लाभ बराबर रुपये इंटू टाइम, और अनुपात में कर देना है, जो भी कॉमन हो वो काट देना है, बचा हुआ अनुपात आ जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा 4 आ गया। थोड़ा ध्यान से करनी है चीज़ें, गलत ना काटो, बाकी फटाफट हो जाएंगे। आगे देखते हैं, एस और वी एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, एम और एस उसी कार्य को 16 दिन में, एम और वी 24 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तो बच्चों ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, हम यहाँ पर हैं एस और वी, कितने दिन में करते हैं जी? 12 दिन में। फिर एम और एस ये कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में। और बाकी एम और वी ये कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। तो सबका एलसीएम क्या हुआ?
अड़तालीस, 12 चौक 48, 16 3 48 और 24 2 48। ये हो गए प्रतिदिन के कार्य इन सभी के। ये हम कई बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चनों को। अब यहाँ से देखें, यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो m कितनी बार हो गया, 2, v कितनी बार हो गया, 2 और s भी कितनी बार हो गया, 2। तो क्या आया हमारा 2m प्लस, हाँ m प्लस v प्लस s, ये तीनों मिलके कितना हुआ, 4 और 3 7 और 2 9। तो m प्लस v प्लस s कितना हुआ, 9/2, यानी तीनों मिलके कितना करते हैं, 9/2, यानी कि 4.5 काम। आप 9/2 भी लिख सकते हैं, 4.5 भी कर सकते हैं। तो यदि तीनों से ही मिलके काम कराना है तो 48/9/2। अब ये जो बटे के बटे हैं ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 48 × 2/9, 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 16 बार, 16 × 2 = 32/3। ये ही हो गया आंसर, कहाँ है, ऑप्शन एक है। तो ये चीज़ समझ में आई। इस तरह से जब हम जोड़ते हैं, कई क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, तो ये 2 आता है क्योंकि m भी 2 बार आ गया, s भी 2 बार आ गया, v भी 2 बार आ गया, तो 2 आएगा, 2/2 में आएगा और फिर हमें सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पॉइंट में मैंने नहीं लिया क्योंकि बटे में लेना ज़्यादा आसान था। इसी तरह आप भी सोच लेंगे बटे में लेना आसान है, कहीं पॉइंट में लेना आसान होगा, प्रैक्टिस से चीज़ें आ जाएंगी। एक और देखते हैं, 2 नल जे और एल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट 14 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक निकास नल के को खोला जाए तो तीनों नल मिलकर 21 मिनट में भर देते हैं। अच्छा जी, जो जे है वो कितने समय में भरता है, 12 मिनट में, एल 14 मिनट में, और तीनों यानी जे प्लस एल प्लस के तब भरते हैं 21 मिनट में। क्यों, क्योंकि के खाली कर रहा है ना, इसलिए समय अधिक लगता है। एलसीएम क्या है सभी का, 12 14 21 एलसीएम। एलसीएम लेना आपको आता है, बड़ी संख्या का टेबल पढ़िए, देख रहे हैं छोटी कहाँ काट रहे हैं, 21 21 2 42 नहीं काट रहे, ये दोनों 21 63 68 नहीं काट रहे, 21 4 84 84 पर काट रहे हैं, 12 7 84 और 14 6 84। तो 12 7 14 6 84 और 21 4 84 ये आ गया। तो J कितना काम करता है, 7, L कितना काम करता है, 6, और तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 4, क्योंकि K तो उल्टा काम कर रहा है ना, काम को बिगाड़ रहा है, पानी निकाल रहा है। तो अब यहाँ से हम K पूछा है तो K की वैल्यू निकालेंगे, यानी ये वाली लाइन हम रख लेंगे। तो हमें क्या पता लगा, J प्लस L प्लस K तीनों मिलके करते हैं 4 काम। J कितना करता है, 7, L कितना करता है, 6, K कितना करता है नहीं पता है, बराबर 4। तो 6 और 7 13, तो K बराबर क्या होगा, 4 − 13 यानी कि −K 9। ये खाली करने का काम करता है इसलिए माइनस आया है बस, ठीक है। तो K कितना खाली करता है, 9 9 खाली करता है। तो उसने पूछा है K कितने समय में खाली करेगा, कितनी है टंकी, 84। तो K द्वारा कितने समय में होगा, 84/9, 3 से कट जाएगा, ये 3 बार, और ये 3 × 2 = 6 और 3 × 8 = 24। तो हमारा आ गया 28/3, कहाँ है जी ऑप्शन, ऑप्शन है 3rd नंबर पर, ये रहा। तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, बेहद आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो आसान हो जाएंगी, और प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको बहुत सिंपल लगेंगी और आप क्या आएंगे, 15 out of 15 इन मैथ, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से करिए, समझते हुए चलिए, सीरियस होके वीडियो देखिए, एक बार करके साथ के साथ क्वेश्चन करते रहिए, ऐसे नहीं कि हम कैजुअल देख रहे हैं, स्किप करते जा रहे हैं। अच्छे से देखोगे तो चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, बेहतर समझ में आएंगी, ज़्यादा तैयारी होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से इनको समझ रहे हैं, और ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छी ट्रिकों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।